अमेरिका में 30 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन अमेरिका में सैलरीज भी हाई हैं। अच्छा, वो देखें, आप अमेरिका को उस लिहाज से भी कंपेयर ना करेंगे। तो कहा जा रहा है कि डिलीवर नहीं कर पा रही, उसकी क्या वजह? बैकलॉग था सारा पूरा, और जो पुराना बर्डन था वो हमें पूरा मिला है विरासत में। आपको कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा कि जो बंदा काम करता और भूखा मर रहा हो। लेकिन अभी भी तो कर्जा लिया गया है। मैं कहता हूँ इनका कर्जा हम इसलिए नहीं ले रहे कि हम अय्याशियों के लिए ले रहे हैं कि हमने लंदन में फ्लैट बनाने हैं, हमने ये नीली पीली टैक्सियां चलानी है या माल्टा ट्रेन चलानी है। लेकिन कर्जा अदा तो ना हुआ। हम तो इमरान खान के नजरिए के साथ आए थे, नजरिए के साथ खड़े हैं। तो आपको लगता है कि आगे हुकूमत पीटीआई की आएगी? फिर अपने हल्के में तकरीबन 2-2.5 अरब के काम हम करवा चुके हैं। चीनी मंगवाई बाहर से, यहाँ पे पूरे माफियाज हैं, कोई ना कोई पकड़ के अपनी फैक्ट्रियों में ले जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ माविश रिज़वी और आप देख रहे हैं ब्रेक मीडिया नेटवर्क। जी नाज़रीन, हम हाजिर हुए हैं ऐसा क्यों में एक नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीरे तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, हमारे साथ आज मौजूद हैं, और हम जानेंगे आज इस इंटरव्यू में कि 3.5 साल हुकूमत के हो गए हैं वो कैसे रहे, और बीइंग वज़ीरे तवानाई इनकी क्या परफॉर्मेंस है। अस्सलाम अलैकुम जी। वाले कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। 3.5 साल में आप अपने हल्के की परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात की जाए तो आप क्या बताएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने हल्के में तकरीबन कोई अभी अगर मैं काउंट करूँ तो 2-2.5 अरब के काम हम करवा चुके हैं वहाँ पे। अच्छा, और आप देखेंगे कि 30 साल में इतना काम नहीं हुआ। जो हमारी यूनियन काउंसिल नई लगी हैं, शहर की जो यूनियन काउंसिल है, वहाँ 30 साल सीवरेज के पानी का इंतज़ाम नहीं कर सके थे, हमने वो सारा मामला ठीक करवा दिया है। अब कहीं आपको मेरे हल्के में किसी गली में किसी मोहल्ले में कोई पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। जो दूसरी रोड्स हैं, आपकी गलियां हैं, आपकी बिजली के प्रोडक्ट्स हैं, अपना प्रोजेक्ट्स हैं, आपके मेन रोड्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो बहुत सारा है। जब इंशाल्लाह हम आवाम के पास जाएंगे तो हमारा अल्लाह का शुक्र है सर फख्र से ऊंचा होगा, हमारी आंखें नीचे नहीं। 3.5 साल गुजर चुके हैं पीटीआई हुकूमत के, तो कहा जा रहा है कि डिलीवर नहीं कर पा रही, उसकी क्या वजह? नहीं देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। डिलीवर करने वाली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल सिनेरियो के साथ आती हैं। अब प्राइसेस हैं तो वो तो इंटरनेशनल, जब प्राइसेस बढ़ेंगे उसका इम्पेक्ट पाकिस्तान पर आएगा। कोरोना का इशू 2 साल से चल रहा है, अभी भी हम सफ़र कर रहे हैं। हमारी इम्पोर्ट्स, जो चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने थे वो कोविड की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। रह गई बात जो पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज थे, आप देखें कि रोज़गार का इशू सबसे बड़ा था। जब ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फुल बूम पे आई है तो आपको चौकों में कोई रोज़गार के लिए बंदा खड़ा होता नज़र नहीं आएगा आपको आजकल। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी चल पड़ी है, सारे लोग उस पे। अच्छा, आपने खुद ही रोजगार की जो बात की है तो 1 करोड़ नौकरियों का खान साहब ने वादा किया, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, 1 करोड़ नौकरी कोई गवर्नमेंट की नहीं थी। 1 करोड़ नौकरी ये था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उसमें आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी की पूरी 30 साल बाद दोबारा रिवाइवल पे आई है। आप किसी टेक्सटाइल वाले से बात करें तो बहुत खुश हैं वो सारे कि एक्सपोर्ट्स बेहतर हो गई हैं, उनकी जो टेक्सटाइल मिलें बंद पड़ी थी, 32 पाकिस्तान पंजाब में थी, वो सारी की लेकिन सारी अगर स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं जी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हुआ है। अगर बात मुकम्मल जी जी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी पूरी दोबारा रिवाइव हो गई। आपकी जो लूम इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, पंजाब में खासतौर पर मुल्तान और फैसलाबाद, वो सारी दोबारा, हमारी गवर्नमेंट से पहले कोई लोहे के मोल पर ये सारी मशीनरी बिक रही थी, अब कोई ऐसी लूम कोई खाली नहीं है जिस पे काम ना हो रहा हो, जिस पे रोज़गार ना आ रहा हो। आप देखेंगे आपके एग्रीकल्चर में कितने पैसे ज़िम्मेदारों को मिले, कितना उसमें जो देहातों में 75% पॉपुलेशन आपकी देहातों में है, तो देहातों में जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है तो पूरा का पूरा देहात वो उससे मुस्तफीद होता है। वहाँ पे ज़िम्मेदारों को उनकी अपनी फसलों की कीमतें पूरी मिली, कोई उनकी कोई इस्तेहसाल नहीं हो रहा। पहली दफ़ा हुआ है कि लाइनों में खड़े होकर लोगों ने बारदाना नहीं लिया गंदम का, खेतों से उठाई गई गंदम, गन्ने की कीमत उनको पूरी मिल गई, आपकी चावल की कीमत पूरी मिल गई, मक्की की कीमत पूरी मिल गई। वो देहातों में एक खुशहाली का समय है। मैं खुद थोड़ा, मेरा देहाती बैकग्राउंड है तो मेरा छोटा मोटा ज़िम्मेदार है, मैं जानता हूँ। अब तीसरी चीज़ पे जाएं, आपको हेल्थ कार्ड की जो फैसिलिटी पंजाब हुकूमत ने और KPK ने दी है,
केपीके में तो तकरीबन पूरा हो गया, पंजाब में जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। जब हर ख़ानदान को एक हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, 10 लाख तक वो इलाज करा सकेगा। इसके साथ आप अगर जाएं पैरेलल आपका एहसास प्रोग्राम में, बग़ैर किसी MNA MPA की सिफारिश के लोगों को जो डिज़र्विंग हैं, जो एहसास प्रोग्राम के क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उनको घरों में पैसे मिल रहे हैं आपके, सॉफ्ट लोन। अच्छा, ये आपको लगता है कि रेफरेंस के बगैर मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई इस तरह की कंप्लेंट आती है कि किसी की सिफारिश में मिला है, तो वी विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। आप चेक कर लें पूरा, जो क्राइटेरिया मीट करता है उसको उनके घरों में आ रहा है। आप कोविड में देखें आपको किस तरह स्मूथली पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। आप देखें कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बेहतरी की तरफ गई हैं, आपके जो जो ट्रेड डेफिसिट था वो बेहतरी की तरफ आया, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़, लेकिन फिर भी महंगाई है जी, महंगाई तो देखें आप, आपने पता नहीं खबर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, अमेरिका में 30 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन अमेरिका में सैलरीज भी हाई हैं। अच्छा, वो देखें आप अमेरिका को उस लिहाज से भी कंपेयर ना करेंगे, वो एक वो सुपर पावर है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है। आपके पास जो चीज़ें, आपका बैक लॉक था, वो सारा आपको विरासत में मिल गया। आप देखें बाकी पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, तेल की कीमतें, ये सारी इंटरनेशनल लिंक्ड हैं। जो पाकिस्तान में जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, हम उनको किस तरह ट्रैक पे ला रहे हैं, तो वो आपके सामने है। अब आपको कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा कि जो बंदा काम करता और भूखा मर रहा, जो काम नहीं कर रहा वो शायद उसको मुश्किल हो, लेकिन काम की भी कोई कमी नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर ज़रूरियात ज़िंदगी पे आए, जो गरीब है उसको ये नहीं पता इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, पॉलिसीज़ क्या हैं, सिस्टम क्या है, उसको ये पता है कि मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, दाल आटा घी चीनी ये ज़रूरियात ज़िंदगी है, इसके रेट इतने जो हाई हो रहे हैं। आप देखें जो पहले लेबर चार्जेस थे 500-600 रुपये थे, अब लाहौर में मैंने खुद इनको देखा है कि 1400-1500 रुपए लेबर चार्जेस जो आम मजदूर है 1400-1500 रुपए पे मिलता है यहाँ पे, तो महंगाई भी उस रेशे से है। लेकिन मुझे जो फिक्र है वो हमारे सैलरीड पर्सन के लिए है कि उनकी सैलरी फिक्स है और महंगाई बढ़ गई है, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा बजट में भी और बाकी चीज़ों में भी उनको गवर्नमेंट कोई एक बड़ा पैकेज अनाउंस करने जा रही है, जिसमें आपकी जो कॉमोडिटीज़ हैं इनमें बेहतरी, प्राइसेस की बेहतरी आएगी। और आप देखेंगे हमने चीनी मंगवाई बाहर से, यहाँ पे पूरे माफियाज हैं, कोई ना कोई पकड़ के अपनी फैक्ट्रियों में ले जाता है, तो जिस चीज़ को अब हाथ डालते हैं ना कहीं से हमें कोर्ट्स की तरफ से इशू आता है, कोई और इशू आ जाते हैं, तो इस प्रीवेलिंग सरकमस्टांसिस में रहते हुए हम डिलीवर करने की। एक नॉर्मल सी मैं बात करती हूँ कि अंडा 2 रुपये महंगा हुआ, अब चेक क्यों नहीं है कि कहीं पे वो 4 रुपये महंगा कर देते हैं दुकानदार, कहीं पे 5 रुपये महंगा करते हैं, ये पॉलिसी क्यों नहीं question है? अब देखें जो हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं ना, उनमें हमारा कोर्ट्स के साथ वो है कि कोर्ट्स कहती हैं जी आप ये जुर्माने नहीं कर सकते। अब उसके लिए हम कानून साजी की तरफ जा रहे हैं। अभी जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो टोटली इसी के लिए रिक्रूट होंगे, इसी के लिए भर्ती होंगे और यही उनका काम होगा। वो जो मामलात हैं जिनमें काफ़ी सारी चीज़ें, जो एक तो बैकलॉग था सारा पूरा, और जो पुराना बर्डन था वो हमें पूरा मिला है विरासत में, और तीसरी जो चीज़ें हैं कुछ चीज़ें हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें कोई इदारों की तरफ से भी मसाइल हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन इंशाल्लाह कि हम, हमारी कोई पर्सनल कोई वो इंटरेस्ट नहीं है, हम कौम और मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप वज़ीर तवानाई हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है और बनता भी है और जायज़ भी है कि कितने स्कूल्स हैं जो अभी तक सोलर पर कन्वर्ट हो चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुझे ये पोर्टफोलियो मिला तो हमने आते ही पहले अपनी पॉलिसी चेंज की कि इंपोर्टेड फ्यूल पर हम कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे। आपको त्रिमू में इंशाल्लाह जी हमारा जनवरी में हमारा उसका COD सिंपल साइकिल शुरू हो जाएगा, 1263 MW का है, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस कमिंग जनवरी, ये दिस कम जनवरी आफ्टर 1 मंथ, तो 115 अरब की इन्वेस्टमेंट कराई है बगैर सॉवरन गारंटी के, और टोटल रुपीज़ में पेमेंट होगी। इसमें जो SBLC थी 37 अरब से, वो 7 अरब पर हम लेके आए, और जो गैस का एग्रीमेंट था, जब पहले ये करके गए थे कि गैस लें ना लें आपको पैसे देने पड़ेंगे, हमने उसको चेंज करवाया कि अब जितनी और जब गैस लेंगे तब पैसे देंगे, तो उसमें हमने जितना पैसा बचा सकते थे इस मुल्क और कौम का वो बचाया, अब इंशाल्लाह जनवरी में शुरू हो जाएगा। मैंने सोलर सूबा डिक्लेयर किया था पंजाब को, तो उसमें हमने 11,000 के करीब साउथ में प्राइमरी स्कूल सोलर पर मुंतकिल कर दिए हैं।
अच्छा, हो चुके हुए हो चुके हुए हैं, आज चेक कर सकते हैं जाकर, और वो फुली फंक्शनल है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि वहाँ पे जो बच्चे जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, गर्मी की वजह से वालदैन नहीं भेजते थे बच्चों को, अब जब यहाँ उनको सहूलत मिली है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन बेहतर हो गई है। हमारे पास अमला था, बिल्डिंग थी, लेकिन बच्चे नहीं थे। अब बच्चों की रजिस्ट्रेशन बेहतर हो गई, लोग प्राइवेट सेक्टर को प्रेफर करते थे। आपके बेसिक हेल्थ यूनिट इंशाल्लाह दिसंबर और जनवरी तक ये पंजाब पूरे के जितने बुनियादी मराकज़ सेहत हैं वो सोलर पर मुंतकिल हो जाएंगे। अब देखें, दूर दराज इलाकों में बिजली के इश्यूज हैं जिस पे ये वैक्सीन और ये बाकी मेडिसिन ख़राब हो जाती थी, तो इंशाल्लाह उनको भी वो सेफ हैंड में होंगे। हमारे 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, वो इंशाल्लाह 6 पहले हम कर चुके हैं, 14 इस साल हो जाएंगे, बाकी वाले अगले साल इंशाल्लाह हो जाएंगे। हमारे जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जैसे लाहौर जनरल अस्पताल है, हमारा निश्तर अस्पताल है, ये कार्डियोलॉजी अस्पताल है फैसलाबाद, कार्डियोलॉजी मुल्तान है, चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान है, ये मुंतकिल कर चुके हैं। हम अभी जो अभी आ रहे हैं वो 30 के करीब तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, वो इंशाल्लाह इस पर कर रहे हैं। कॉलेजेस हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हमारी 43 के करीब हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। हमने एक ESCO मॉडल पे UET को किया था, तो उसमें देखिए एक रुपया ना गवर्नमेंट का लगा है ना ही अपना यूनिवर्सिटी का लगा है, छतें इस्तेमाल की हैं, और जो 26 रुपये वाला यूनिट था वो उनको अब 8 से 10 रुपये में पड़ रहे हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। तो ESCO मॉडल पर लेके जा रहे हैं सारी यूनिवर्सिटीज़। अभी हमारा लहिया में एक 100 मेगावाट का वो भी इंशाल्लाह दिसंबर में फंक्शनल हो जाएगा, दिसंबर जनवरी में, तो उसमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे लोएस्ट टैरिफ 3.7 सेंट पे दिलवाया है। अब ये जो सेम इसी कैटेगरी का लगा हुआ है हमारा कायद आजम सोलर में, तो वो 14.1 सेंट पर दे के गए थे, हम उसकी टैरिफ उसका 3.7 सेंट पर लेके आए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह जब बास्केट में इनकी अपनी हमारी प्रोडक्ट्स जाएंगी तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा होगा। और अभी जो चीज़ें हमें विरासत में मिली हुई हैं, जो पुराने इनके एग्रीमेंट्स हैं, इनके IMF के साथ जो एग्रीमेंट हैं, जो इनके IPPs के साथ एग्रीमेंट हैं, वो विरासत में मिले, उनमें एक एक लेकिन अभी भी तो कर्जा लिया गया है। मैं कहता हूँ इनका कर्जा हम इसलिए नहीं ले रहे कि हम अयाशियों के लिए ले रहे हैं कि हमने लंदन में फ्लैट बनाने हैं, हमने ये नीली पीली टैक्सियाँ चलानी है या माल्टा ट्रेन चलानी है। हम जो कर्जे ले रहे हैं इनके कर्जों की किस्तों के लिए ले रहे हैं, इनके जो कर्जे हमें विरासत में मिले हैं उनके कर्जे उतारने के लिए उनके कर्जे देने पड़ते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई एडवेंचरिज्म नहीं हो रहा, लेकिन कर्जा अदा तो ना हुआ। नहीं, देखें कर्जा अदा कैसे होगा, आपकी जो रिकवरी है वो बेहतर होगी, आपके जो टैक्स कलेक्शन है आप देखेंगे एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस गवर्नमेंट बहुत बेहतर है। हम यही कर सकते थे कि जो टैक्स कलेक्शन हम बेहतर करें लोगों को उनके अंदर रहते हुए, और दूसरी बात यह कि जो इनके कर्जे बैंक वाले हैं वो कर्जों से ही जाएंगे आगे, और जितनी आपकी जब तक आपकी इनकम और एक्सपोर्ट्स बेहतर नहीं होगी तो आप तो इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। तो अभी जो इंडस्ट्री हमने रिवाइव कराई है उसका मकसद यही था कि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हों, डॉलर्स मुल्क में आए और इनके जो कर्जे हैं वो हम स्पीडली उतारें। तो अभी देखें ना, आपने खुद ही अब बात कर दी, गैस की भी आपने बात की, तो अभी सही तरह से सर्दी आई भी नहीं कि गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई। मैडम गैस जो है ना, आपको देखें कि गैस के जो रिजर्व्स हैं, जिस तरह बाकी इदारों का हाल किया गया, जब ये अभी हमारी हुकूमत आई को 570 अरब के करीब ये मकरूज थी, पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये SNGPL और उसको मकरूज छोड़ के गए, पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुई है। अब जो गैस के रिजर्व्स हैं वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, और वो जो प्रायोरिटीज़ थी, जो फ्यूचर प्लानिंग थी, वो इन्होंने की नहीं, गैस इन्होंने घरों में जलाई। अब उसका यही हाल था कि हम इनके जो टर्मिनल से बाहर से इम्पोर्ट होती है गैस, या LPG है, या हम सोलर को इतना फैला दें कि लोग जो कुकिंग है वो भी इस पर सोलर पे करेंगे, क्योंकि तो इस पर तो कोई पैसा नहीं लगता इंपोर्ट पे, वही है मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारी स्टार्ट हो जाती है जिस पर हम बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं सोलर पैनल्स की, तो बजाय गैस के आप इस पर सोलर पे अपना कुकिंग कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमें दूसरे ऑप्शन पे तो जाना पड़ेगा। कितना ईयर प्लान है अभी? ये इंशाल्लाह देखें, अभी जो जिस तरह हम स्पीडली इस पर पब्लिक कनेक्शन को सोलर पे मुंतकिल कर रहे हैं, हमने बैंक्स को सारा इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि सॉफ्ट लोन है, बहुत नॉमिनल उस पर सूद पे आपको ये मिल जाते हैं कर्जे इस पर सोलर के लिए, तो लोग इंडिपेंडेंट हैं अपना वहाँ पे सोलर पे जाएं और इसके अल्टरनेट जो वेज हैं वो निकालें, और इन चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा। अच्छा, इसी साल में
बहुत ज़्यादा महंगाई के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज भी हुए हैं, इजलास भी हुए हैं, तो आपको लगता है कि आगे हुकूमत पीटीआई की आएगी? फिर देखें, हमें इस चीज़ से नहीं है, लेकिन जब तक हम हैं इंशाल्लाह इस चीज़ की हम गारंटी दे सकते हैं कि एक रुपया कौम का नहीं ज़ाया होने देंगे। जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ नहीं होंगी। हमारी पॉलिसीज़ में कोई आपको बाहर हमारी विरासत या हमारी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं मिलेंगी। जो भी पॉलिसीज़ हैं मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होती हैं। आप तुर्की को देख लें, अगर मिसाल लें तो कितने कर्ज़े में डूबा हुआ, तो उसको भी तकरीबन 7-8 साल लग गए थे उससे निकलते हुए। जितने मुल्कों ने रिवाइव किया है कर्ज़ों से निकले हैं, उनको टाइम लगता होता है, पॉलिसीज़ होती हैं, बेस बना दी हुई है, अब इंशाल्लाह बेहतरी की। पिछले दिनों एक खबर गर्दिश करती सुनाई दी है कि आप यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब से दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं उनको, कुछ इस तरह की, इसमें कितनी हकीकत है? ऐसे बेपर की किसी ने उड़ाई है। हम तो इमरान खान के नज़रिए के साथ आए थे, नज़रिए के साथ खड़े हैं। हमारा जो मोटो है, हमारा जो विजन है, इस मुल्क और कौम को हम इस काबिल बना के जाएँ कि हमारे आने वाली नस्लें हमें अगर अच्छा ना कहें तो कम अज़ कम बुरा भी ना कहें। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ज़ैन कुरैशी के साथ आपके मतलब आप हल्के में जाते नहीं हैं, इनॉग्रेशंस पे भी नहीं जाते, तो कोई वो देखें उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं, मेरी अपनी मसरूफियात होती हैं। जब मैं और वो इकट्ठे मुल्तान होते हैं तो हम इकट्ठे जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। शाह महमूद साहब हमारे लीडर भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, और हमारे उनसे बड़ा अच्छा है। तो शाह महमूद साहब और जैन में तो मेरे ख्याल कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। सर, एंड पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि कौमों पर मुश्किल वक्त आते रहते हैं, लेकिन इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हमें अपनी लीडरशिप पर पूरा एतमाद है, हमारी लीडरशिप और हम मिलकर इस मुल्क और कौम को आगे लेकर जाएंगे, और जो पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं वो आपको इस पर एतमाद होना चाहिए कि इंशाल्लाह इससे मुल्क और कौम तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ों में खड़े होंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर अख्तर मलिक ने जो आज पॉलिसीज़ बताई हैं और आगे आने वाली जो पॉलिसीज़ हैं, तो लगता ऐसा है कि पाकिस्तान की तरक्की में काम हो रहा है, और हम दुआगो हैं कि ये तरक्की हो पाकिस्तान की। तो देखते रहिए बैक मीडिया नेटवर्क। माविश रिज़वी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।